हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज जो जबरदस्त निफ्टी में इंडेक्स में तेजी चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आज के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं, फिर कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कल वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो जैसे कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 15,775। तो आप देख पा रहे हैं इसको ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हुआ। इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और जो ब्रेकआउट लेवल को हमने मार्क किया था उसको काफ़ी देर ये एज अ सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। तो ऊपर यहाँ पर फर्स्ट टारगेट के लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस करके एक ज़बरदस्त यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला आज। उसके बाद ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुए। थोड़ी देर सेकेंड टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया, ऊपर गया, ब्रेकडाउन लेवल का रेजिस्टेंस लेवल बन गया और यहाँ से फिर से टूवर्ड्स आउट की तरफ निफ्टी ने मूव किया। तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुए, एग्जैक्ट उसी के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते, उसके लिए एक बार डेली चार्ट को देख लेते। कल हमने यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक को फाइंड किया था कि कैसे चार पांच बार यहाँ पर ये कैंडल क्रिएट हुआ है, इस तरह की कैंडल। कल के वीडियो हमने डिस्कस किया था, कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो अभी ये जो हैंगिंग मैन कैंडल बना है उसके बाद ये कन्फर्मेशन वाला कैंडल भी बन चुका है। और दूसरा पॉइंट ये था कि RSI 7200, ये जो ओवरबॉट जोन माना जाता है, इसमें पहुंच चुका है ये। तो जब जब इस लेवल के आसपास आ जाता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो उसी तरह यहाँ पर भी हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी ये करेक्शन और कहाँ तक नीचे आ सकता है अगर उसको फाइंड आउट करना है, तो एक टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये स्विंग लो, ये हाई पकड़ू और ड्रॉ करूँ तो एग्जैक्ट आज 15,584 के लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। तो अभी 15,584 अगर ब्रेक होता है तो हमें 15,450 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। कल एक्सपायरी का दिन है तो हो सकता है निफ्टी इंडेक्स एक थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक दिखाए, इस लेवल को पेनेट्रेट करे 23.6% को और फिर टूवर्ड साउथ की तरफ आए। अभी जब तक ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ से लॉन्ग पोजिशन कैरी करना रिस्की साबित हो सकता है। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट में तो हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा था लास्ट 3 दिनों से। हमने यहाँ पर ये बियरिश डाइवर्जन मार्क किया था। देखिए प्राइस एक्शन कैसे हायर हाइज बना रहा है, नए हाइज क्रिएट कर रहा था डे बाई डे, लेकिन नीचे RSI को देखे तो लोअर हाइज क्रिएट कर रहा था, प्रीवियस लो के नीचे नेक्स्ट लो हाई बन रहा था। तो यहाँ पर ये क्लियर कट बियरिश डाइवर्जन जो कि हमें सिग्नल दे रहा था कि निफ्टी में करेक्शन आ सकता है। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, अभी ये जो लेवल है हमने देखा डेली चार्ट में, यहाँ पर 23.6% का लेवल आ रहा है और यही इसी के आसपास एक गैप क्रिएट हुआ था पास्ट में, वो आज फील हो चुका है। तो ये गैप का जो इनिशियल पॉइंट था 15,592, ये हो सकता है हमारा ब्रेकडाउन लेवल कल के लिए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,577। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,557, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ आता है तो आज जहाँ पर हमारा ब्रेक डाउन लेवल हो रहा था यानी इस लेवल के आसपास 15,656, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा कल के लिए और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,669, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,688, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखे तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। फर्स्ट टारगेट के पास इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट के पास इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, काफ़ी ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन बाद में ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया तो ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुए। इसी के पास सपोर्ट टेस्ट किया, ऊपर ब्रेक डाउन लेवल को फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और टूवर्ड्स आउट की तरफ आया। तो बैंक निफ्टी भी के भी काफ़ी लेवल्स एक्यूरेट साबित हो रहे। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट पे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी ब्रेक डाउन लेवल कल के लिए हमारा हो सकता है बैंक निफ्टी में, ये जो दो लोज क्रिएट किए हैं
आर्ली चार्ट में दो कैंडल ने, दो रेडिश कैंडल ने 34,640, ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,550, ये फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 34,461। और अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो क्लियरली 100 EMA जो है उसको ब्रेक होने दीजिए, इसके ऊपर सस्टेन होता है 34,973, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,34, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,89। ये दो छोटे से टारगेट्स होंगे हमारे कल के लिए बाय साइड के लिए। तो ये वीडियो है कल के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।